दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं HDFC बैंक के इजी सॉफ्ट रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का, और जानेंगे लिमिट चार्जेस और बेनिफिट्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हेलो गाइस, मैं हूँ राहुल वर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सीजी बॉय में। सीधी बात नो बकवास, तो चलिए कुछ नया जाने। दोस्तों ये है HDFC बैंक का रुपे प्लेटिनम इजी सॉफ्ट डेबिट कार्ड, जिसे प्रीमियम डेबिट कार्ड भी कहते हैं। दोस्तों मेरे ओल्ड डेबिट कार्ड का एक्सपायर हो जाने के बाद में मुझे ये डेबिट कार्ड मिला है। दोस्तों इस डेबिट कार्ड को बैंक की तरफ से ऑटोमेटिक मेरे पास भेज दिया गया है, इसके लिए मैंने अलग से अप्लाई नहीं किया था। और दोस्तों ये डेबिट कार्ड इंडियन पोस्ट के जरिए 15 दिन के अंदर मेरे रजिस्टर एड्रेस पर डिलीवर कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस डेबिट कार्ड को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे डेबिट कार्ड का कवर अनबॉक्स हो गया है और इसके अंदर में हमें बहुत सारे पेपर डॉक्यूमेंट मिला है। तो चलिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब फाइनली दोस्तों चलते हैं अपने डेबिट कार्ड की ओर। तो इस वाले पेपर के अंदर में दोस्तों हमारा डेबिट कार्ड ग्लू से चिपका रहता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बैंक की तरफ से आपको अलर्ट मैसेज भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अपने डेबिट कार्ड को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों HDFC बैंक का रुपे प्लेटिनम इजी सॉफ्ट डेबिट कार्ड का फाइनल लुक। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस डेबिट कार्ड की चार्जेस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस डेबिट कार्ड का इश्यू चार्जेस 200 रुपए है, प्लस 18% GST मिला के टोटल इसका चार्ज 236 रुपए होता है। दोस्तों जब भी आप पहली बार इस डेबिट कार्ड को इश्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको 236 रुपए का चार्जेस देना होगा, और इस डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 236 रुपए है, जो कि आपको अगले साल से देना होगा। यहाँ पर इश्यू चार्जेस केवल एक बार देना होता है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको हर साल देना होगा। जब तक आपका डेबिट कार्ड वैलिड रहेगा तब तक आपके अकाउंट से हर साल 236 रुपए का चार्जेस काट लिया जाएगा। ये चार्जेस बैंक ऑटोमेटिक अपने तरफ से डेबिट कर लेता है। तो चलिए दोस्तों अब इस डेबिट कार्ड की डेली लिमिट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस डेबिट कार्ड का डेली ATM विड्रॉल लिमिट 25,000 रुपए है, यानी आप एक दिन में ATM से 25,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और दोस्तों इस डेबिट कार्ड का डेली ऑनलाइन लिमिट 3,00,000 रुपए है, यानी आप एक दिन में ऑनलाइन 3,00,000 रुपए तक का शॉपिंग या फिर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये डेबिट कार्ड HDFC बैंक का सबसे सस्ता डेबिट कार्ड है, और ये डेबिट कार्ड इंटरनेशनल कार्ड है, इसलिए आप इंडिया के बाहर भी इस डेबिट कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस डेबिट कार्ड को केवल आप नेपाल और भूटान में यूज नहीं कर सकते, बाकी अदर कंट्री में आप इस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इस डेबिट कार्ड की बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों इस डेबिट कार्ड में आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसके जरिए आप डेली बिना पिन के 5,000 रुपए तक का कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके डेबिट कार्ड में वाईफाई का सिंबल बना हुआ है, वो इसका NFC का फीचर है। दोस्तों इस डेबिट कार्ड को पेट्रोल पंप में यूज करने पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर आप इजीली पेट्रोल डीजल का पेमेंट इस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और दोस्तों इस डेबिट कार्ड में आपको बहुत सारे एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। और आखिरी में सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों, आपको इस डेबिट कार्ड में एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाता है, जो कि पर क्वार्टर आपको 2 फ्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की सुविधा मिलता है। यानी दोस्तों एक साल में आपको टोटल 8 फ्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की सुविधा इस डेबिट कार्ड के थ्रू मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट निकल के आता है। दोस्तों अगर आपके मन में इस डेबिट कार्ड से रिलेटिव और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ये चार्जेस अभी के हैं, और ये चार्जेस फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। दोस्तों जब भी ये चार्जेस फ्यूचर में चेंज होगा मैं अपने चैनल पर अपडेट दे दूंगा। तो ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करके रख ले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।